आप लोगों को क्रिकेट स्टूडेंट क्लास में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। आज आपको अभ्यास 42 और 43 लिखाएंगे, इसलिए पेंसिल कॉपी लेकर तैयार हो जाएं। पहले शब्द चिन्ह लिखाएंगे, खूब, अखबार, खुद, अद्भुत, दफा, फर्क, फिर। अब अभ्यास 42 लिखाते हैं। देखो सामने की दुकान में अलादीन दर्जी बैठा कपड़ा सी रहा है। यह क्या चीज है? वह सिलाई की मशीन है। कैसी अद्भुत है, खूब चल रही है। अलाउद्दीन खुद बैठा काम कर रहा है। अलाउद्दीन बहुत होशियार दर्जी है। वह बहुत अच्छे कपड़े सीता है। मोहन ने उसको बनाने को कोट का कपड़ा लेकर दिया। उसने फौरन मोहन की नाप लेकर कपड़े को काट डाला। फिर कपड़ा सीकर उसको दे दिया। यह जर्मनी की मशीन है। इसका दाम हिंदुस्तान के कई अखबारों में छपा था। हम भी एक मशीन मोल लेंगे। अब अभ्यास 43 लिखाते हैं। पेंसिल कॉपी लेकर तैयार हैं, रेडी, लास्ट रेडी, स्टार्ट। जिस तरह जाड़े में धूप अच्छी लगती है, उसी तरह गर्मी में साया भली मालूम होती है। गर्मी में इधर दोपहरी आई, उधर
लोग घरों में छिपने लगे, कुछ लोग पेड़ों ने नीचे चारपाई बिछाकर आराम करते हैं, मगर जो मज़ा नीम की छाया में आता है वह कहीं नहीं आता। नीम की पत्तियां बहुत घनी होती हैं, धूप को नीचे नहीं आने देती। नीम की हवा भी ठंडी होती है। नीम की पत्तियां आरी की तरह कटावदार होती हैं। इनका रंग हरा होता है। इसको देखकर आँखों को ठंडक आती है। नीम की पत्तियों का पानी सुरमा में मिलाकर अंजन बनता है। इसे आँखों में लगाते हैं। इसके लगाने से आँखों की बीमारियां जाती रहती हैं। नीम की टहनी से दातून बनता है। दातून करने से दांत साफ और मजबूत होते हैं। लड़कों, क्या तुमने नीम को रोते हुए देखा है? कभी कभी नीम के तनों से पानी निकलता है, उसे नीम का रोना कहते हैं। यह पानी भी दवा के काम आता है।